हेलो ब्यूटीफुल पीपल, हाउ आर यू बॉडी, दिस इज एम आर। सो गाइस, दोपहर के बज चुके हैं 2:30 और अभी आज है संडे 11 तारीख। जैसा कि आज होने वाला है G20 भी, तो गाइस आज के वीडियो में दिखाने वाले हैं, अभी हम हैं सिगरा स्टेडियम में। आज के वीडियो में दिखाने वाले हैं कि कितना सिगरा स्टेडियम में काम हुआ है, ग्राउंड में जो क्रिकेट का ग्राउंड है उसमें। अभी इसके पहले हमने दिखाया था जो उधर वाला ग्राउंड है फुटबॉल का, और भी ओलंपिक के लिए जितना भी खेल का मैदान तैयार किया जा रहा था। अभी यहाँ पे हम आए दिखाने के लिए आप लोग को क्रिकेट ग्राउंड कितना बना है या स्टार्ट हुआ है, नहीं स्टार्ट हुआ है। तो चलते हैं, ब्लॉग में बने रहिए, कंटिन्यू वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये हमारा मेन गेट, यहाँ पे लिखा हुआ है स्पोर्ट स्टेडियम सिगरा वाराणसी, देख पा रहे हैं, स्पोर्ट स्टेडियम सिगरा वाराणसी। तो ये हमारा मेन गेट है, और अभी तो मेन गेट है, बाद में कहाँ से इसका गेट बनाया जाएगा तो ये अभी नहीं डिसाइड हुआ है। हो सकता है शायद यही हो, क्योंकि इसके बाहर हमारा रोड आ जाता है, तो शायद इधर ही से हो हमारा रोड। सो गाइस, आज के वीडियो में चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और दिखाते हैं कि कितना काम हुआ है। सिगरा स्टेडियम में नहीं काम हो रहा था, उसके जो बगल में फुटबॉल वाला ग्राउंड है उस पर काम हो रहा था, अभी सिगरा स्टेडियम में हाथ लग गया। तो चलते हैं, फटाफट से दिखा देते हैं आप लोग को इसके पहले हफ्ते में कितना काम हुआ था और अभी कहाँ तक पहुँचा है। तो चलते हैं, वीडियो में कंटिन्यू बने रहिए, और अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो एक लाइक कर देना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। ये गड्ढा आप लोग को दिख रहा होगा, तो ये गड्ढा अभी खना गया है बाउंड्री के लिए, जैसा कि इस तरफ हम आपको दिखाएं। ये जो आप गड्ढा देख रहे हो ये गोल होगा और इसमें से ने पड़ेगी। अभी ने स्टार्ट हुई है, आप समझो कि सिगरा स्टेडियम में जो ने होती है, मतलब जो गोल वाला ग्राउंड होता है, मतलब ईंट से बना होता है, पूरा दायरा लिया जाता है, तो वो दायरा अभी लिया जा रहा है ने पड़ा के। मतलब इसके पहले सिर्फ मतलब वो किया गया था, पहले हम लोग देखे थे दायरा लिया गया था, और ये जो है अभी पक्का होने जा रहा है। तो आगे चल के आप लोग को दिखाते हैं कि कितना अभी पक्का हुआ है, ने पड़ गया सिगरा स्टेडियम का, ये बहुत अच्छी बात है। चलते गाइस आगे, काम कर रहे हैं दीवार की जुड़ैया हो रही है यहाँ पे। अंकल जी, ये दीवार की जुड़ैया हो रही है क्या? ये कितने का दीवार है, मतलब कै इंच का है? ये 9 इंच की दीवार है, नीचे जो 15 है उसके ऊपर 9। अच्छा, नीचे 15 की है, उसके ऊपर से गोल होगी ना? पूरा गोल होगी। तो निशान कैसे लगाते हैं गोल करने के लिए? निशान वो बीच में 152 फुट पर जो है, जो बीच एक सेंटर आए हैं, 152 फीट का सेंटर बना हुआ है, सेंटर है वो, उसी से चार तरफ जो है कि उसको घुमाना है। अच्छा, रस्सी है? रस्सी हाँ, नहीं तार है। अच्छा तार है, हाँ हाँ वही हो गया, तार लेकर आते हैं उससे नापते हैं। अच्छा, साहुल के साथ। अच्छा अच्छा, साहुल निशान बताता है। अच्छा, इसी तरह से वृत्ताकार हो जाता है। अच्छा अच्छा, तो भैया ये दीवार जोड़ना है, और अपनी धूप में यार, यार कमाल है यार, कहीं में भाई मिस्त्रों का कमाल है। तो वैसे आप अंकल जी आए कहाँ से हैं? हम तो गाजीपुर से, गाजीपुर से आए हैं। गाजीपुर हमारा, रोज चले जाते हैं गाजीपुर के, रहते हैं यहाँ से 1.5 घंटा लगेगा जाने, 1 घंटा 2 घंटा। अच्छा हाँ हाँ, तो हम लोग जो है अपना बनाते हैं। अच्छा ये बताइए अंकल जी, वैसे आपका नाम क्या है? हमारा नाम तो असली दूध नाम है, मुन्ना, मुन्ना लोग कहते हैं। तो मुन्ना भैया ये बताइए, ये ग्राउंड कितने दिन में तैयार हो जाएगा? ये ग्राउंड देखिए बहुत जल्दी तैयार, बहुत जल्दी तैयार हो जाएगा, दिखाएं कि लेबर मिस्त्री, लेकिन जुगाड़ अगर दे तो बहुत जल्दी तैयार। जुगाड़ कौन देगा आपको? जुगाड़ यही यहाँ के अधिकारी लोग, जो उसमें के मैनेजर है। अच्छा अच्छा, और लोग हैं जो जुगाड़, जैसे कि पानी का व्यवस्था है, जैसे वो मशीन वो थी केसीसी वाली, अभी उसको अब हम लेते 12 बजे ले आना चाहिए। अच्छा, अभी से आई है, अगर 12 बजे आ जाती तो केसीसी काफी हो जाती है। अच्छा अच्छा, काफी होती है। अच्छा अच्छा, पानी तो फिर कितना दिन लग जाएगा अंदाज़? मैक्सिमम 2 साल? नहीं, 1 साल इसको जो है कि बहुत जल्द देना है, शायद साल भर के अंदर देना। 18 महीने का टारगेट था हम सुने थे, शायद 18 महीने का टारगेट था, क्या हुआ फिर उसके बाद जो है, मतलब थोड़ा टाइम लग गया। अभी अंतर्राष्ट्रीय वाला उधर, ओलंपिक वाला भी बना, तो अच्छा ये बताइए जो ग्राउंड था पहले उससे बड़ा बन रहा है या फिर? उससे बड़ा बन रहा है ना। अच्छा ये एक चीज और बताइए, जो जो सीढ़ी होती है मतलब बैठने के लिए जनता को, तो वो कहाँ बनेगा? वो भी बनेगा, वो भी बनेगा ना, वो इसके बाद ही बनेगा, जब भी बनेगा बनेगा, ये सब हट जाएगा ना। अच्छा अच्छा, अभी हाँ अभी तो टाइम, अभी तो इसमें रहते होंगे लोग, अभी रहते हैं, तो गाइस देख रहे हैं इसमें लोग रहते हैं, मजदूर वगैरह। ये तो खेल कूद का है, इधर सब बनेगा ना, ये पूरी अभी जमीन खाली। अच्छा, अभी ऊपर ऊपर बनेगा, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं पूरा ग्राउंड अभी ऊपर की जो बैठने के लिए हो, और पूरा काम चालू है अभी,
काम कितने घंटे हो रहा है अंकल जी? ये हो रहा है सुबह 9:15 से 5:30 बजे तक। सुबह 9:15 बजे से 5:30 बजे सवा 5 बजे, उसके बाद काम नहीं होता? नहीं, दोपहर में लंच पे जाता है। अच्छा, दोपहर में लंच कितने देर का होता है? एक घंटे का होता है। तो भाई जैसा कि भैया धूप में दीवार जोड़ रहे हैं, बड़ी मेहनत कर रहे हैं, तो अभी ग्राउंड बनने वाला है। 1 साल बता रहे थे अंकल जी, 1 साल के पहले पहले हो जाएगा ना? हाँ, 1 साल से पहले। अच्छा, चलते हैं आगे, भैया लोग से भी पूछ लेते थोड़ा सा। भैया एक चीज़ बताइए, स्टेडियम बनने वाला है तो आप आएंगे स्टेडियम में मैच देखने के लिए? आएंगे जरूर, गुड, आइएगा। दीवार जोड़, भैया एक चीज़ बताइए, ये दीवार कितने इंच का जोड़ा जा रहा है? मिस्त्री बताइए, ये दीवार कितने इंच का जोड़ रहे हैं? ऊपर 9 इंची है, नीचे 15 इंची है। हाँ, जैसा कि भैया अभी बता रहे थे, नीचे 15 इंची है, ऊपर 9 इंची है। ये कितने दिन में, मतलब ये ग्राउंड वाला जो दीवार जा रहा है, कितने दिन में हो जाएगा, थोड़ा हमारे व्यूवर्स को बताएंगे? तो हम लोग नहीं बता सकते, मतलब एक टाइम होगा ना, भाव सागर है इसमें, हम क्या जो ये क्या कितना रोज काम हो रहा है उसके बाद कितना आदमी। नहीं, मेरे कहने का मतलब ये अंकल जी, मतलब ये कितने दिन में तैयार हो जाएगा, आपको कुछ मतलब आइडिया है, मिला है कि 1 साल में 2 साल में? अच्छा, इसके बाद आप जो ग्राउंड वाली दीवार खड़ी कर रहे हैं, इसके बाद आपका क्या काम रहेगा? बाद जो ठेकेदार है वो ही बता सकते हैं। हम लोग तो बस ही, हम लोग क्या जाने क्या करवाएंगे, ठेकेदार काम है। अच्छा, ये भी बाउंड्री हो रही है क्या? ये वाली भी बाउंड्री हो रही है, ये एक बाउंड ये भी बाउंड्री हो रही है लग रहा है ना? ये सामने ये हो रही है, ये हो रही है, तो ये इसमें कुछ बनेगा क्या अंकल जी? इसमें कुछ बनेगा ठेकेदार, हम मिस्त्री किया, मिस्त्री जोड़ रहा है, संजय ले गया घर। हम मिस्त्री से पूछेंगे, मिस्त्री जोड़ रहा है, संजय ले चला जाएगा घर। बात तो सही है। वैसे हमें पता करना था भैया कि ये जो दीवार है ये और ये दीवार है, कौन बताए? गमछा वाले बता देंगे, और ठेकेदार है क्या? तो गाइस जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, ये दीवार स्टेडियम का काम शुरू हो गया है, काफ़ी जोरों शोरों पर है। और यहाँ पे एक दीवार है और यहाँ पे एक ग्राउंड है, ग्राउंड के लिए दीवार है, ठीक है। और इसके बाद जो बनेगा वो बैठने के लिए सीढ़ी बनाई जाएगी। देख रहे हैं, लेडी भी काम कर रही है, जेंट्स भी काम कर रहे हैं, काफ़ी ज़ोरों से काम चल रहा है और काफ़ी धूप भी है इस टाइम। और सामने ओलंपिक वाला वगैरह बनाया गया है। इस वीडियो में हमने दिखाने की कोशिश की है कि कितना काम हुआ है। अगले हफ्ते जब हम आए थे तो इस स्टेडियम में कितना काम हुआ था, और इस हफ्ते जब हम आए हैं, आज संडे है, नेक्स्ट संडे आए थे, आज संडे, आज कितना काम हुआ है। तो जब हम आए थे उस साइड काम हो रहा था, जो ओलंपिक वाला अंतर मतलब ओलंपिक का खेल होना है उधर ही होगा, जैसा कि आप सामने देख रहे हो बिल्डिंग, ठीक है। ओलंपिक वाले में हमने दिखाया था कितना काम हुआ, सिगरा में कुछ काम भी नहीं लगा था। तो अभी आप पीछे की तरफ देखेंगे, जैसा कि हमने दिखाया है, कुछ भैया लोग हैं जो दीवार, जो स्टेडियम में ग्राउंड गोल वाली दीवार होती है, तो उसका अभी नेप पड़ गया है। ये अच्छी बात है, खुशी हो की बात है, उसकी नेप पड़ गई है और अब स्टेडियम बहुत जल्दी बनने वाला है। और एक और है, यहाँ ये चूना देखेंगे, शायद आप लोग को दिख रहा हो ये चूना, तो यहाँ पे चूना से गोल निशान लगाया गया। और बीच में हम सोच रहे थे यार इतना बड़ा गोला लेंगे कैसे, तो एक बात समझ में आ गई, जो गोला लेंगे स्टेडियम का, तो वो बीच में एक पिलर बनाया गया, छोटा सा पिलर, बीचों बीच स्टेडियम के गोला बनाया जाता है, और छोटी सी दीवार बनाई जाती है, खंभा जिसे उसको बोल सकते हैं, खंभा, खंभा गाड़ने के बाद उसमें तार बांधा गया है, तार बांधने के बाद चारों तरफ से उसको घुमाया जाता है, मतलब वो एक तरफ बीच में से पकड़ के लाते हैं यहाँ तक, फिर देखते हैं, नापते हैं, वहाँ से दीवार स्टार्ट होती है, फिर उसको दूसरी तरफ ले जाते हैं, वहाँ देखते हैं, इस हिसाब से करते हैं ताकि गोला जो है गोल बने, मतलब गोल नहीं, मतलब जो अंडे का आकार होता है स्टेडियम, ज़्यादातर अंडे का आकार होता है, तो आकार बने।
तो गाइज आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर देना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। काम करिए, एंजॉय करिए, लाइफ इज ऑल अबाउट डैट। कल के ब्लॉग में आप सभी से मुलाकात हो जाएगी। तब तक के लिए बाय, शब्बा खैर, खुदा हाफिज़, फिर मिलेंगे।